भैया मैं कोडिंग करता हूँ लेकिन मुझे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं आता। एक टाइम के बाद जब मैं कोडिंग कर रहा होता हूँ तो वो मुझे बोरिंग सा लगने लग जाता है। फिर मुझे लगता है कि कोडिंग शायद मेरे लिए बना ही नहीं है और फिर हम खुद को ही ब्लेम करने लग जाते हैं कि शायद कोडिंग का फील्ड मेरे लिए है ही नहीं। तो शायद ये गलती आपकी ना हो। जो एजुकेटर आपको पढ़ा रहा है, जो डिलीवर कर रहा है, वो सिर्फ आपको रटा रहा है, समझा नहीं रहा है। कोडिंग बहुत ही आसान है अगर आप उसको रियल वर्ल्ड के एग्जांपल से सोचोगे। कुछ टाइम पहले एक बच्चा मेरे पास आता है, वो बोलता है कि भैया मैं कोडिंग राउंड में गया था, वहां मुझसे बाइनरी सर्च का क्वेश्चन पूछा गया और मुझे पता ही नहीं चला कि वो बाइनरी सर्च का क्वेश्चन था, इवन दो मैंने पूरा डीएसए कंप्लीट कर लिया था। तो शायद वहां पे मैंने उसे कहा गलती आपकी है कि शायद आपने वो कोड में भी रटा हो, आपने जो बाइनरी सर्च की जो इंट्यूशन है, जो पैटर्न है, वो आपने उसको अच्छे से समझा ही नहीं। अभी जो मैक्सिमम डीएसए कोर्सेज है उसमें क्या होता है, उसमें आपको रटाया जाता है, स्पून फीडिंग कराई जाती है, हैंड होल्डिंग कराई जाती है, लेकिन जो मेन गोल होना चाहिए वो होना चाहिए कि किस तरीके से उस बंदे का इंट्यूशन जगाया जाए। तो जब भी आप सपने देख रहे होंगे कि मैं क्वांग या उसके इक्विवेलेंट किसी कंपनी में काम कर रहा हूंगा जहां मेरी सैलरी 1 लाख से ऊपर होगी, तो उसके लिए मुझे सबसे पहले क्या सीखना होगा, तो सबसे पहले वहां पूछा जाता है डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम। ये कंपनीज के फर्स्ट राउंड में ही आपसे पूछा जाता है, उसके बाद इंटरव्यू में भी आपको ये पूछा जाता है। तो ये डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम है क्या, जो अगर इसको मैं सिंपल वर्ड में आपको एक्सप्लेन करूं कि डेटा को कैसे स्टोर करना है और उसको कैसे एक्सेस करना है, यही पूरा डीएसए का खेल है। आप अभी जो मेरी वीडियो देख रहे हो इससे भी बहुत सारा डेटा जनरेट हो रहा होगा। आपने इस वीडियो को लाइक करा, कमेंट करा और जो भी चीज आप करोगे वो सारे ट्रैक होते हैं और उसके हिसाब से वो आपको उसके इक्विवेलेंट ऐड दिखाते हैं। तो डेटा स्टोर हो रहा है, उसको एक्सेस करना है, उसके बाद उसके रिलेटेड ऐड आपको दिखानी है। तो यही पूरा खेल होता है। अगर आपने डीएसए को अच्छे से पढ़ लिया तो एक और चीज इसमें आती है एलएलडी, लो लेवल डिजाइन। तो आपको ये भी पढ़ने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी, अगर आपके डीएसए के कॉन्सेप्ट मजबूत है तो आप किसी भी कोडिंग राउंड को इजिली निकाल पाएंगे, अगर आपको पता है कि इसकी इंट्यूशन मुझे कैसे जगानी है। तो यार जो मैं कोर्स लाने वाला हूं उससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि किन बच्चों को ये कोर्स लेना है और वो भी बताऊंगा कि किन बच्चों को ये कोर्स नहीं लेना है। तो मैं दोनों चीजें बताऊंगा, उससे पहले मैं बताता हूं कि मेरी क्वालिफिकेशन क्या है। यार मैं खुद 50 से ज्यादा कंपनियों के कोडिंग राउंड दे चुका हूं, उनमें से मैंने बहुत सारी कंपनीज के कोडिंग राउंड क्रैक किए हैं। अगर मैं बात करूं Uber, Media.net, Qualcomm, Cisco, बहुत सारी कंपनी है जिनके मैंने कोडिंग राउंड क्लियर किए हैं और उसके साथ ही मुझे इंडिया में हाईएस्ट प्लेसमेंट भी मिला 2 करोड़ से ऊपर का। तो अब आप सोच रहे होंगे कि भैया आप तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रहे होंगे, बिल्कुल ऐसा नहीं है। अगर मैं आपको अपने एमटेक की सीजीपीए बताऊं वो 6.8 थी, बीटेक की बताऊं वो 73 थी, अगर मैं आपको अपने 10th की बताऊं वो 7.6 थी, तो मैं बहुत ही ऑर्डिनरी बच्चा था। तो मैंने कैसे करा, तो यार जो मुझे हैक पता चला, जब भी किसी भी चीज को सीखना है तो उसे रियल वर्ल्ड से सीखो, वो हमारे लिए बहुत ही आसान बन जाती है। और इस कोर्स के साथ ही मैं अपने टीचिंग करियर में कदम बढ़ा रहा हूं। तो मैंने टीचिंग करियर क्यों चुना, क्योंकि मेरे बहुत सारे दोस्त हैं कोडिंग कम्युनिटी में, जब भी उनको डिफिकल्ट डाउट आते हैं वो मुझसे डिस्कस करते हैं और मैं उनको बताता हूं। तो वहां से मुझे लगा क्यों ना मैं खुद डायरेक्ट आके आपसे वो डिस्कस करूं, वो चीजें जो मुझे आती है मैं सीधा आपको डिलीवर करूं। इवन मैं अपने जब मैं गेट की तैयारी कर रहा था उस टाइम भी अपने दोस्तों को मैं पढ़ाता था, जब मैं प्लेसमेंट की तैयारी करता था उस टाइम भी मैं अपने दोस्तों को पढ़ाता था, उन्हें मेरा पढ़ाया हुआ काफी अच्छा लगता था। तो मैं सोचा क्यों ना मैं भी एक बार आपको पढ़ाना शुरू करूं। अब आप में से बहुत सारे बच्चे टेंशन में होंगे कि भैया यार मार्केट में तो ले ऑफ चल रहे हैं, जॉब तो है नहीं, तो जॉब कैसे क्रिएट होंगी। सेम सिचुएशन अभी मैं 2-3 साल पहले भी जाऊं, जब कोरोना आया था उस टाइम भी बहुत सारे लोगों की जॉब गई थी, लेकिन जब जिन लोगों ने कोरोना में बैठ के प्रैक्टिस करी है कोडिंग की, उनको मल्टीपल ऑफर मिले, उनको 10-10, 15-15 कंपनीज के ऑफर मिले, आपने देखा होगा। सेम अभी भी होने वाला, अभी रिसेशन चल रहा है, तो ये टाइम पीरियड आपका प्रिपरेशन का टाइम होना चाहिए, जहां पे आप बैठ के खुद को प्रिपेयर करें ताकि जब रियल वर्ल्ड में आप जाए, जब रिसेशन खत्म हो, तो आपके पास ढेरों ऑफर हो। एज अ बिगिनर मैं फील कर पाता हूँ कि आप लोग क्या क्या मिस्टेक्स करने वाले हैं, क्योंकि मैं खुद उसी दौर से गुजरा हूँ। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके 12th में कंप्यूटर साइंस नहीं रही होगी और मेरी भी नहीं थी। तो जब मैं नए नए कॉलेज में आया तो मैंने सोचा चलो अब स्टार्ट करते हैं, मुझे ऑलरेडी पता था कि बहुत सारे बच्चों की थी और वो मुझसे ऑलरेडी आगे हैं। तो जब मैंने स्टार्ट करा, जब बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़े तो मुझे समझ तो आ रहे थे। अब ऐसा नहीं था कि स्टार्टिंग में पहले दिन में मुझे सब कुछ समझ आ गया, आईओ स्ट्रीम, नेम स्पेस में थोड़ा दिक्कत मुझे आ रही थी समझने में, लेकिन टाइम के साथ सही होता गया। तो जब मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़े तो मुझे टेबल का प्रोग्राम बनाना, प्रिंटिंग वगैरह ये सब आ गया था, लेकिन जब मुझे एडवांस में थोड़ा ऊपर बढ़ना था फिर मेरे दिमाग से चीजें गायब होने लग गई, क्योंकि जो टीचर हमें पढ़ाते थे वो उस लेवल के थे ही नहीं। अगर मैं इंडिया की बात करूं तो हम में से हर साल लाखों बच्चे ग्रेजुएट होते हैं और उनके पास कंप्यूटर साइंस की डिग्री रहती है, लेकिन हम में से ही बहुत सारे बच्चे अभी भी बेसिक कोडिंग के क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते। और सेम कंडीशन मेरे साथ भी थी, मैंने 3rd ईयर कंप्लीट कर लिए थे और मुझे अपनी औकात तब पता चली जब मैं टीसीएस का एग्जाम देने गया। तो जब मैं टीसीएस एग्जाम के हॉल के बाहर पहुंचा तो वहां मैंने
में हजारों बच्चों की भीड़ लगी। पहले तो मैं उन्हें देख के घबरा गया, फिर मैं जब अंदर घुसा तो वहाँ कोडिंग का क्वेश्चन आया था जो था बेसिक सा क्वेश्चन प्राइम नंबर का। सच बताऊं मुझसे वो क्वेश्चन भी नहीं बना। जब मैं सेंटर से बाहर आया मैंने अपने दोस्तों से डिस्कस किया, सबने कहा हो गया हमसे, और इतनी बेइज्जती महसूस हो रही थी और जेलिसी मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता आपको। तो यार उसके बाद मैं अपने गेट की जर्नी में चला गया, तो मैंने गेट का एग्जाम दिया, तो वहाँ पे मैंने डीएसए सीखा। वहाँ पे मैं आरबीआर सर के टीचिंग से बहुत ही इंप्रेस था, उन्होंने जिस तरीके से डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम पढ़ाया वो काफी मुझे इंप्रेसिव लगा। तो वो गेट का पार्ट था, उसमें थ्योरेटिकल बहुत ज्यादा होता है लेकिन उसमें हम कोड नहीं लिख रहे होते हैं, सिर्फ कॉपी में कोड लिख रहे होते हैं, वैसे नहीं लिख रहे होते। तो जब मैं अपना गेट का भी मैंने कंप्लीट कर लिया, उसके बाद जब मैं कोडिंग असली फील्ड में आया तो वहां पे मुझे दिक्कतें हुई। वहां पे मुझे एचटीएल के कॉन्सेप्ट पता चले, डायनेमिक प्रोग्रामिंग अलग से मतलब एक्स्ट्रा जो हम कोड लिखते हैं, ग्राफ्स वगैरह उन चीजों के बारे में पता चला, और वहां पे जाके मैं और ज्यादा घबराने लग गया कि यार मुझसे होंगे भी या नहीं होंगे। तो यार ऐसा बिगनर आप फॉर लूप व्हाइल लूप इनको देख के थोड़ा डरेंगे, जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे रिकर्सन ग्राफ सेम चीजों से मैं गुजर चुका हूँ। जब मुझे पहले दिक्कत आती थी तो सबसे ज्यादा दिक्कत मुझे डायनेमिक प्रोग्रामिंग में आई। अगर आप आज भी यूट्यूब पे सर्च करोगे ना डायनेमिक प्रोग्रामिंग क्वेश्चन, तो जो टॉप की वीडियोस होंगी उनको कभी भी मत देखना, क्योंकि उन्होंने जो अप्रोच से क्वेश्चन सॉल्व किया वो सिर्फ टेबल बना के किए हैं, जो कि बहुत ही गलत अप्रोच है। और उस टाइम पे मेरी इंग्लिश बहुत ही कमजोर थी, तो मैं जो फॉरेन ट्यूटर होते थे उनकी वीडियो नहीं भी देख पाता था, उसके कारण मैं पीछे रह जाता था। फिर मैंने अलग अलग रिसोर्सेज से उनको पढ़ा, फिर मुझे पता चला इसको कैसे सॉल्व करना है रिकर्सन के साथ, कैसे मैं इनको कंबाइन करके अच्छा सा आंसर निकाल सकता हूं ताकि वो मेरे समझ में भी ना आए, मैं सिर्फ रटू ना टॉपिक को समझू ही। मैं ऑलरेडी काफी वीडियोस बना चुका हूं आपके लिए, गाइडेंस वीडियो जहां गेट से रिलेटेड हो, कोडिंग से हो, ब्लॉग्स वगैरह हो, ब्लॉकचेन से हो, इनके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। उस टाइम पे मैंने बोला था कि मैं ब्लॉकचेन से कोर्स स्टार्ट करूंगा, लेकिन बहुत बच्चों ने कहा कि भैया पहले डीएसए से स्टार्ट करो। फिर मुझे लगा चलो पहले डीएसए से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मैं भी चाहता हूँ कि पहले आपकी जो फाउंडेशन हो वो मजबूत हो, फिर जब आप ब्लॉकचेन का मैं आगे जब कोर्स लाऊंगा तो वो आपको इजीली अच्छे से समझ आ जाएगा। अगर आपने कोडिंग और डीएसए अच्छे से कराया बेसिक टू एडवांस लेवल, तो आपको जो ब्लॉकचेन वगैरह में उतनी दिक्कत नहीं आएगी। तो यार आरबीआर सर मेरे हमेशा से मोटिवेशन रहे हैं, तो मैंने उनको देखा कि आज उन्होंने गेट पढ़ाना छोड़ दिया फिर भी आज भी बच्चे उनको याद रखते हैं। तो वही मैं भी चाहता हूँ कि आज से 10 से 20 साल बाद जब आप मुझे याद करें कि आपको पता होना चाहिए यार कोई भैया थे जो सिर्फ रटाते नहीं थे, वो समझाते थे कॉन्सेप्ट को, वो भी डेप्थ में रियल वर्ल्ड के एग्जांपल से। तो यार वही चीजें मैं अपने कोर्स में एक्सप्लेन करूंगा आपको अच्छे से। भैया पर मार्केट में तो ऑलरेडी बहुत सारे कोर्सेज प्रेजेंट है, तो आपका कोर्स में ऐसा अलग क्या है? तो क्या यार मार्केट में ऑलरेडी बहुत सारे कोर्सेज हैं, फ्री के कोर्सेज भी हैं, 5,000 से लेकर 5,00,000 तक के कोर्सेज अवेलेबल हैं, लेकिन उन कोर्सेज में दिक्कत कुछ ये है कि कुछ कोर्सेज रिकॉर्डेड है। रिकॉर्डेड कोर्स में दिक्कत ये होती है कि आप उसको कंप्लीट नहीं कर पाते हो, आपके पास कंसिस्टेंसी रहने का टाइम ही नहीं रहता। भैया मार्केट में तो लाइव कोर्सेज भी प्रेजेंट है, लेकिन उन कोर्सेज के साथ दिक्कत ये है कि आपको जो कोड है वो रन ही नहीं कराया जाता। उससे क्या दिक्कत आती भैया, कोड तो दे दिया उन्होंने, मे बी उसमें कुछ एज केसेस होंगे जो रन नहीं हो रहे होंगे, ये होता है बहुत बार। अगर आप किसी कंपनी के कोडिंग राउंड में जाते हो, वहां पे अगर 100 टेस्ट केस हैं, आपके 99 टेस्ट केस भी पास होते हैं और एक फेल हो जाता है, तो आपको 0 मार्क्स मिलते हैं उसके। तो इसलिए हम अपनी जो लाइव क्लास होंगे उसमें टेस्ट केसेस पूरा कोड आपको लाइव रन करके दिखाया जाएगा। और क्या दिक्कतें, जो वो बैच होता है वो मैक्सिमम वीकेंड में चलता है, फ्राइडे सैटरडे संडे, तो आपको लगता है आप कंसिस्टेंट रह पाओगे, क्योंकि मेन खेल कंसिस्टेंसी का ही है। तो यार जो अपना कोर्स होगा वो होगा बाप ऑफ ऑल डीएसए कोर्स, ये मैं क्यों क्लेम कर रहा हूं। ये एक लाइव कोर्स होगा जहां पे हम हर रोज मंडे टू फ्राइडे 2 घंटे 9 PM to 11 PM, मैंने रात का टाइम इसलिए चुना है, अगर आप कॉलेज भी जाते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। कुछ वर्किंग प्रोफेशनल होंगे वो भी घर आ चुके होंगे, 9 बजे से 11 बजे तक मंडे टू फ्राइडे हम रोज कोडिंग करेंगे, उससे आपकी कंसिस्टेंसी बनी रहेगी, वो वीकेंड वाली चीजें आपकी चली जाएंगी कि आप सिर्फ 3 दिन कोड कर रहे हो फिर आपका इंटरेस्ट चला जाए। इसलिए हम मंडे टू फ्राइडे रोज कोडिंग करेंगे, और वहां पे जो मैं आपको कोडिंग करा रहा हूँ वो रियल वर्ल्ड के एग्जांपल से मैं आपको करा रहा हूँ। अब देखो मैं इसको आपको एक सिंपल वे में एक्सप्लेन करता हूँ। आपने एरे पढ़ा होगा, तो एरे क्या होता है? एरे इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर एलिमेंट एंड स्टोर्ड इन कंटिगस लोकेशन। ये आपने पढ़ा है, कि आपको एक भी चीज समझ आई? बिल्कुल नहीं आई होगी जो फर्स्ट बार इस चीज को सुन रहा हूँ। अब मैं इसको अगर रियल वर्ल्ड के एग्जांपल से एक्सप्लेन करूँ, मान लो आपके पास एक बिल्डिंग है, ठीक है, उसमें आपने स्टोर रूम बनाए हैं, उसमें 1000 स्टोर रूम है, और एक ठेकेदार है वो फसल लेके आ रहा है राइस की, और उसके पास 10 ट्रक राइस है, और हर एक ट्रक हर एक कमरे में पूरे राइस को भर सकता है। तो वो आएगा मेरे पास, बोलेगा कि आप मुझे कमरे दे दो, तो मैं बोलूंगा कि तुम 101 से 110 तक के कमरे ले लो। तो वो क्या करेगा, अपने ट्रक में जितना भी राइस है वहां लोड कर देगा उन 10 कमरों में। तो सेम चीजें एरे में भी यूज होती है। तब क्या होगा कि जब वो ट्रक आया, वो बहुत ही बड़ा ट्रक है, उसका जो राइस है वो एक कमरे में स्टोर नहीं हो पा रहा है। तो यही सेम दिक्कतें एरे में भी आती हैं, उनको कैसे सॉल्व करेंगे, तो यही चीजें मैं आपको कोर्स में पढ़ाऊंगा, इनको मैं लिंक करके आपको पढ़ाऊंगा। एरे लिंक लिस्ट, कब किसकी क्या लिमिटेशन थी कि मुझे लिंक लिस्ट यूज करना पड़ रहा है, इसकी क्या लिमिटेशन थी मुझे स्टैक, इनको मैं आपको पूरे रियल वर्ल्ड के सिनेरियो से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आप दिनचर्या में क्या क्या करते हैं, आप बैंक जाते हैं,
मैं आपको बैंक के हेल्प से डेटा स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करूंगा। आप शादी में जाते हैं, मैं आपको शादी के हेल्प से डेटा स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करूंगा। तो इतना आसान होती है कोर्स। तो यार जो अपना कोर्स है मैंने ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, वो मंडे टू फ्राइडे चलेगा। ये 3 मंथ का कोर्स होगा टोटल। हाँ, अगर जरूरत पड़ी हम इसको और भी एक्सटेंड कर सकते हैं, 4 महीने तक रोज हम लाइव क्लासेस ले रहे होंगे। तो आपको सिंपल एक चीज करनी है, आपको वीडियो देखनी है और उसके साथ ही नोट्स अच्छे से बनाने हैं। और इस कोर्स में और क्या क्या चीजें होंगी, प्री रिक्वेस्ट क्या होगी, अगर आपको कोडिंग का सी भी नहीं आता ना फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। पूरा कोर्स मैं C++ से कर पढ़ाऊंगा आपको। पहले आपको C++ पढ़ाऊंगा, उसके बाद मैं डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम में स्विच करूंगा। हाँ, अगर आपको जावा पाइथन ऑलरेडी आती है तो फिर ये आपके लिए और इजी हो जाएगा, लेकिन नहीं भी आती है तो मैं इसको बेसिक से लेके आपको एडवांस लेवल तक इस 3 महीने में पूरा कवर करा रहूंगा और हर चीज को लिंक करते हुए रियल वर्ल्ड की हेल्प से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूंगा। और इस दौरान हम 300 से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे, जो अभी टॉप क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं कंपनीज में। उसके साथ ही हम इंटरव्यू प्रिपरेशन कर रहे होंगे कि किस तरीके से हम डीएसए राउंड क्रैक कर सकते हैं इंटरव्यू में। उसके साथ ही आपका जो रिज्यूमे है उसको भी प्रिपेयर आपको कराएंगे कि आपके रिज्यूमे में क्या क्या कीवर्ड्स होने चाहिए। उसके साथ ही आपको लिंक्डइन के हैक बताए जाएंगे कि आपको अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल कैसे मैनेज करनी है कि रिक्रूटर जो है खुद आपको आके अप्रोच करे रेफरल के लिए। और उसके साथ ही मैं आपको इस कोर्स का एक कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी दूंगा कि आपने ये कोर्स अच्छे से पढ़ा है। और सबसे इंपॉर्टेंट, जब हम कोडिंग पढ़ रहे होते हैं तो उसमें हमारे साथ बहुत सारे डाउट्स आते हैं, तो इसमें आपको डाउट सपोर्ट भी दिया जाएगा अच्छे से। डाउट सपोर्ट सिर्फ नाम के लिए नहीं होगा कि ग्रुप में बच्चे डाउट डाल रहे हैं और बच्चे आपस में सॉल्व कर रहे हैं। स्पेशल टीए को उस ग्रुप में रखा जाएगा जो आपके डाउट सॉल्व कर रहे होंगे। आप आपस में भी डाउट सॉल्व कर रहे होंगे, लेकिन कई बार ऐसे डाउट्स आएंगे जो आप खुद से सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो वो टीए आपकी हेल्प करेंगे डाउट सॉल्व करने के लिए। अब आप पूछेंगे भैया ये कोर्स फ्री है या पेड? देखो यार, मैं कोई भी इमोशनल ड्रामा नहीं करूंगा कि पहले मैं आपको फ्री पढ़ाऊं फिर 3-4 महीने बाद आपको बोलूं कि आ जाओ मेरे कोर्स ले लो। ये बिल्कुल नहीं, ये कोर्स बिल्कुल पेड होने वाला है। अगर आप फ्री के जो कोर्सेज हैं अगर आपको देखोगे, वो स्टार्ट तो होते हैं लेकिन उनको खत्म होने में 1.5-2 साल लग जाते हैं। मैं किसी क्रिएटर को ब्लेम नहीं कर रहा हूं, ये होता है क्योंकि टाइम नहीं होता उतना, क्योंकि इसके लिए स्पेशल टाइम निकालना पड़ता है। तो यार जो कॉस्ट मैंने इस कोर्स की रखी है वो रखी है 4,000 रुपए, लेकिन अर्ली वर्ल्ड ऑफर में अगर आप विदिन 7 डेज को लेते हो तो आपको ये कोर्स पड़ेगा 2800 का। और इसमें मैंने कुछ भी एक्स्ट्रा कॉस्ट इंक्लूड नहीं करी है। अगर 2800 बोला है तो 2800 ही होगा। आपको 30% डिस्काउंट मिल रहा है, इसमें कोई भी आपको 18% जीएसटी एक्स्ट्रा नहीं देना है, ना ही आपको 3% कन्वीनियंस फीस, ये सब ये टोटली इंक्लूडेड है इस 2800 में। ये 7 डे के लिए ही एप्लीकेबल होगा, तो आप इसको जाके ले सकते हैं। अगर आपको कोर्स की इन डिटेल नॉलेज चाहिए तो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, आप उसको क्लिक करोगे, जैसे आप कोर्स में जाओगे वहां पे आपको उसके डिस्क्रिप्शन वगैरह सारे डाउट मिल जाएंगे कि हम कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। हम रैंडमली किसी भी चीज को नहीं करने वाले, एक सीक्वेंस वाइज हम सारी चीज कर रहे होंगे, एरे स्ट्रिंग सब कुछ, यहां तक कि हम एडवांस टॉपिक भी, डायनेमिक प्रोग्रामिंग की बात ही कर रहा हूँ, उससे भी आगे हम जाएंगे, ट्राई सेगमेंट उनको भी हम अच्छे से कवर कर रहे होंगे। तो यार जो आपका कूपन कोड होगा वो DSA30 होगा, जैसे आप उसको अप्लाई करोगे आपको सीधा 30% का फ्लैट डिस्काउंट 2800 में मिलेगा। तो यार इसमें बहुत सारे खर्चे आने वाले हैं क्योंकि मुझे प्लेटफॉर्म की फीस देनी है, जो ऐप आपके लिए ला रहे हैं हम, आप मोबाइल में भी वीडियोस को इजीली देख सकते हैं, आप वेब में अपने ब्राउजर में भी इस वीडियोस को इजीली एक्सेस कर पाओगे। लिंक मैंने कमेंट सेक्शन में भी दिया रहेगा, डिस्क्रिप्शन में भी दिया रहेगा, आप जाके वहां से डाउनलोड भी कर सकते हैं, एनरोल भी कर सकते हैं। हमको एक चीज सीखनी पड़ेगी, जो हमारा टाइम है वही हमारा असली मनी है। मैं नहीं चाहता कि मैं अगर आज कोर्स स्टार्ट करूं फ्री में तो वो 1.5-2 साल ले कंप्लीट होने में, तो इसलिए मैंने ये टाइम फ्रेम बनाया। मैं भी बाध्य होऊंगा आपके लिए कि मुझे ये कोर्स कंप्लीट करना है 3-4 महीने के अंदर। तो कोर्स जो स्टार्ट होने वाला है वो 16 अप्रैल से होने वाला है। अब आप में से कुछ बच्चे ऐसे होंगे कि भैया हम इतना भी अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, यार मैंने ऑलरेडी काफी वीडियोस बनाई हुई है इससे रिलेटेड कि आप कैसे डीएसए फ्री में पढ़ सकते हैं, बस आपके अंदर जज्बा होना चाहिए कि आप उस कोर्स को कंप्लीट कर पाओ। और उसके साथ यार आपने देखा होगा कि मेरे 1 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं, फिर भी मैं हर बच्चे को कमेंट में आंसर करता हूं। मैं चाहता हूं कि आप सीखें। इवन मैंने व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह भी बनाए हैं जहां पे आप कुछ सीख पाओ आपस में, मैं कोडिंग चैलेंजेस लाता रहता हूं ताकि जो आपकी कोडिंग स्किल्स है वो इंप्रूव हो पाए। अब मोस्ट इंपोर्टेंट बात यह है कि मेरा कोर्स कौन बच्चे नहीं लेंगे। फर्स्ट, वो बच्चे जो गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। देखो जो गेट में डीएसए पूछा जाता है वो काफी अलग होता है, वो मोर थ्योरेटिकल होता है, तो आप इस कोर्स को ना ले, हम यहाँ पे ज्यादा हैंड प्रैक्टिस कर रहे होंगे इस कोर्स में। सेकंड, वो बच्चे जिनको लगता है कि 1-1.5 महीने में ही उनका प्लेसमेंट लगने वाला है। मैं कुछ भी फॉल्स क्लेम नहीं कर रहा हूँ इस कोर्स में कि 1-1.5 महीने में ही आपका प्लेसमेंट लग जाएगा, क्या कि 5-10-20-30-40 लाख की प्लेसमेंट लग रही होगी, ऐसा नहीं होने वाला है। आपको अपना टाइम देना पड़ेगा, एफर्ट मारने पड़ेंगे, तब जाके आपकी एक अच्छी प्लेसमेंट लग पाएगी। और इस चीज की तो मैं गारंटी दे रहा हूँ, अगर आप इस कोर्स को अच्छे से पढ़ते हैं तो जब आप कोडिंग राउंड में जाओगे तो आपसे क्लियर हो रहे होंगे। तो यार जो भी बच्चे इस कोर्स को बाय कर रहे हैं, मुझे पता है ये आपके पेरेंट्स की बहुत ही हार्ड अर्न मनी है, तो जो भी पैसे आप भेजोगे मुझे उसके साथ ही एक पूरी फैमिली है, उसकी उम्मीदें भी मेरे पास आ रही है। तो यार उसके साथ तो मैं धोखा बिल्कुल भी नहीं कर सकता, आपको गारंटी देता हूँ अपनी तरफ से 100% डिलीवर करूंगा। बस मुझे आपका 100% एफर्ट चाहिए कि जो भी मैं पढ़ाऊँ आप अच्छे से पढ़ें। तो मिलते हैं किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।